क्यों सरकारों को हम अनुमति देते हैं इन मुद्दों से भटकने की या भटकाने की? क्यों इतने महंगे हुए हैं? क्योंकि इनपुट कॉस्ट, बार बार रणदीप भाई आकर कई बार बोल चुके हैं, हम सब बोल चुके हैं, बार बार इस मुद्दे पर बोलते हैं कि साहब इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। डीएपी, डीजल और जो तमाम कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाया आपने, प्री कोविड जो हुआ हम सबने देखा, ड्यूरिंग कोविड जो हुआ हम सबने देखा, पोस्ट कोविड की कोई तैयारी नहीं थी वो आज दिख रहा है। 30 नवंबर को मुफ्त अनाज योजना भी बंद हो जाएगी, ये आपकी तैयारी है पोस्ट कोविड से डील करने की। कोविड के बाद जब लोग अपनी बची हुई जिंदगी को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त तो उनको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है और आप उस वक्त हाथ खींच रहे हैं। तो बड़े दर्द के साथ हम ये बार बार ये मुद्दे उठाते हैं कि आप सबसे निवेदन करते हुए उठाते हैं, साहब इसी इन्हीं मुद्दों पर रखिए राजनीतिक संवाद को, क्योंकि यही मुद्दे हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं, यही मुद्दे हैं जो लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, यही मुद्दे हैं जिन पर आधारित होकर लोग अपना वोट तय करेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना। वो तमाम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं जब सुबह दूध खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, और तेल और टमाटर और प्याज आलू में तो आपस में जैसे प्रतियोगिता चल रही हो कि मैं आगे जाऊंगा नहीं मैं आगे जाऊंगा। वो तमाम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आज सुबह से शाम तक। हम और आप जब संघर्ष करते हैं और फिर खबर आती है कि रेडीमेड कपड़ों पर और चप्पल पर भी, ये वही चप्पल है जिसको पहनकर मोदी जी कहते थे हवाई जहाज में यात्रा की जाएगी, चप्पल पर भी जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाता। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।